के आपसे अनुरोध है, हमारे अधिकारी नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी आपको बता दूं कि इस समय मौजूद समय में एसीपी साहब यहां पर आए हैं चौकीदारों का हाल जानने के लिए, क्योंकि अभी तक लगभग 11-12 दिन हो रहे हैं, स्वागत करते हैं, कोई भी यहां पर अधिकारीगण नहीं आए, लेकिन आज कहीं अधिकारी जो हमारे बीच में आए हैं उनसे क्या वार्ता होगी ये आपको हम दिखाना चाहेंगे और आप लोग देखेंगे भी, तो आगे थोड़ा सा आइए। आपको दिखा रहा हूँ कि सामने एसपी साहब खड़े हुए हैं और जो ज्ञापन वगैरह है वो देख रहे हैं, आखिर क्या बातें होती हैं वो सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कितना मिलता है आप लोगों को मान लो? 2500 रुपये। कितना आप लोगों को डिमांड है? इन गरीबों का उत्थान हो जाएगा सरकार, अगर आप बहुत दिन साहब कह दे रहे हैं कि नहीं आप लोगों का इलाज नहीं करवा पा रहे, एक है जो मिला हुआ है हमको, ऐसे होगा मिला हुआ पूरे खाने लगा के उसको 17 तारीख से चल रहा है, छोटी सुबह है, हम दोनों खरगोश थोड़ी हो नहीं, आप लोग ये मैं मानता हूँ जेन्युइन मांग है, होना भी चाहिए, ये एक कम से कम एक उस तरह का ये उतना रहे कि आदमी का अपना खर्चा अपने परिवार का सेवा दे रहा है, हमारे पास इसको एक साथ इसको सफल कर रहे हैं, हमारे रखा हुआ आए हो कहाँ कहाँ से आए हो आप? उत्तर प्रदेश के जो रहते हैं यहाँ पर लोग ये चल के आए हैं और कुछ आए हैं कुछ जा रहे हैं और ये धरना अनिश्चितता जिसके लिए है वो चलता रहेगा। शीतकालीन मिलन और गोरखपुर में जाकर बैठ 15 अगस्त को नहीं जाने दिए, सबसे आसान वहाँ पर फिर वही बात है, हम 25-25 लोगों को हम वहीं का रहने वाले हैं, हम जानते हैं वहाँ की पूरी स्थिति, ठीक है ना? ये हम ठेकेदारों की जो समस्या है क्योंकि चौकीदार का अगर किसी साथ कोई घटना घट जाती है उसका कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है चलो, अब आप इसको चलिए लगा दो, ठीक है चलो, जब आप लोग परेशान आ लो हम उनको भिजवा जरूर देंगे, ठीक है ना? जय जय का नाम सरकार दो लाइन आप हां दो लाइन सही ए बाइक दीजिए, बाइक बाइक दीजिए, बाइक दीजिए, बाइक दीजिए, बाइक दीजिए, हमारे भाजपा नहीं वोट पाएंगे, सरकार सरकार चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव या सरकार की तरफ से आप ये मान के चलो कि मैं आया हूँ और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं जहाँ पर भी जानी है,
है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने संबोधित किया है, मैं उसको वहां तक हर संभव प्रयास करूंगा, वो बिल्कुल जाएगा वहां पर, ठीक है। और जेन्युइन समस्याएं आप लोगों की, जेन्युइन समस्या प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से, सरकार ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, जो भी उनके साथ अगर कुछ व्यवहारिक कठिनाई आ रही होगी ये तो उसको दूर करके तो फिर आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है। सरकार चौकीदार क्या जज्बात रखता है, सरकार क्या जज्बात रखते हैं दोनों के लिए है कि मेरे खून के कतरों से, इन साथियों की तरफ से मेरे खून के कतरों से ये फरमान लिख देना, वो वतन पर है हाजिर जान लिख देना, जनाजा देखकर दुश्मन भी मेरे हैरान हो जाए, वो तिरंगा कफन, तिरंगा हो कफन मेरा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना चौकीदार। हेलो, चाचा आगे सेकंड जिला सहारनपुर से आए, दूरी 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 बना के रखे आप लोग, दूरी दूरी बना के रखे हैं। एसपी साहब दरोगा जी, एसपी साहब महबूब भाई, अरे खाली मल वाला पहने भैया, आप 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 किनारे होके जाओ, साहब को जाए जाओ, हाँ ठीक है साहब को जाए जाओ भैया, आप लोग खाली पहरा तो पहले जाओ, तो आपको बता दूं कि अभी एसपी साहब जो आए थे, उन्होंने चौकीदारों के बीच में आकर के उन्होंने चार लाइनें कही और अपनी बात भी रखी, आप लोगों ने लाइव देखा होगा, कहीं ना कहीं इन चौकीदारों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि यहां पर लखनऊ के मुख्य अधिकारी के तक ये बात पहुंच गई है, तो जहां तक उत्तर प्रदेश शासन तक ये बात जरूर पहुंचेगी, ये मेरा पुनः विश्वास है। और यहाँ चौकीदार लगातार 12 दिनों से बैठे हैं, उस 12 दिन के बाद आज एसपी साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, ये मुझे संकेत मिल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अन्नू त्रिपाठी।